हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की जो वीडियो हमारी है ये ओल्ड मॉडल 500 सीसी है और हमारे पास सर्विस के लिए आई हुई है। काफ़ी टाइम से खड़ी है, स्टार्ट करना है और सर्विस करना है। तो मैं इसका जो ये ऊपर इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, इसका एक बनाऊंगा, ये क्लच के ऊपर वीडियो रहेगा। बेसिकली जो क्लच पेट डालूंगा इसका, क्योंकि क्लच पेट जो है खत्म हो चुकी है, तो हम इसका क्लच पेट डालेंगे और उसके ऊपर वीडियो रहेगी। तो डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और क्लच पेट पहले खोल चुका हूँ, तो पहले ले चलता हूँ बाइक पे और दिखाता हूँ आपको किस कंडीशन में बाइक है, कैसे साफ सुथरी है और क्लच पेट कैसे ख़त्म हो रखी है कितनी और कौन सी क्लच पेट डालूंगा और सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा आपको। चलिए पहले मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड। सो गाइस, ये है आज हमारे पास ओल्ड मॉडल 500 सीसी है, देख सकते हैं। देखिए, और अब देख सकते हैं कि 500 सीसी है, ओल्ड मॉडल है। आज मैं इसकी क्लच पेट डाल रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्लच पेट डालते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है इसमें क्लच पेट में। देखिए, ये आपने देखा होगा किसी ओल्ड मॉडल में नहीं आता है, ये एक्स्ट्रा करे जाते हैं क्योंकि इसमें ऑयल जाए तो अच्छे तरीके से क्लच काम करता है। और देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कंडीशन में साफ बाइक है, बिल्कुल हमारे पास सर्विस के लिए आई हुई, तो हमने क्लच डाला है, क्लच पेट खोला है, तो क्लच में ख़त्म पड़ी है क्लच पेट। और देख सकते हैं, देखिए ये होगी आपकी स्प्रिंग वगैरह, ओल्ड मॉडल के स्प्रिंग है तो इनको भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि टाइम के हिसाब से अपने रनिंग कंडीशन में चेंज करते हैं तो अच्छा रहता है। तो इसको एक तो अपनी क्लच पेट हो गई, और ये प्रेशर पेट देख सकते हैं, देखिए ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल ही, देख सकते हैं। देखिए चार चार ही क्लच पेट हैं, देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रा वाली ही क्लच पेट हैं, 500 सीसी वाली नहीं है, इलेक्ट्रा वाली है। तो यही वाली क्लच पेट डालेंगे हम आज। मैं आपको नई वाली क्लच पेट लाता हूँ और दिखाता हूँ फिट करके कैसे कैसे फिट होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। पहले ही मैंने खोल चुका हूँ, तो मैंने कहा आप एक वीडियो बना के दिखाते हैं आपको छोटी सी। तो चलिए पहले डालते हैं आपको। सो दोस्तों, देख सकते हैं, देखिए प्रेशर पेट की डिफरेंस देख लीजिए, कुछ इस तरीके की ख़त्म हो चुकी है, लड़की लाल हो चुकी है, देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं घिस गई है बिल्कुल। अब बारी आती है आपकी जो है अपनी क्लच पेट है। देखिए एंडोरेंस कंपनी की क्लच पेट हैं हम, कुछ इस तरीके के आगे देख सकते हैं। देखिए अब इसको डालता हूँ फटाफट और देखते हैं कि क्या लगाता हूँ आपको और दिखाता हूँ फटाफट। चलिए, तो गाइस देख सकते, क्लच हमारा फिट कर दिया, मैंने आपको दिखाया कैसे कैसे फिट होता है, कौन सी ब्लेड। देख देखिए स्प्रिंग मैंने नया डाल दिया है, देख सकते, देखिए पुराने स्प्रिंग आपके ये रखे। और अब देखिए क्लच कैसे काम करा जाएगा, दबाना भाई बारी, देखो देख सकते। देखिए कभी भी जब क्लच दबा लें तो देखिए फ्री घूमना चाहिए, देख सकते हैं। देखिए देखिए क्लच, अब देखिए जैसे दबाएंगे तो ऐसे खुलता है, देख सकते हैं। देखिए ये देख सकते, देखिए अब ये हो चुका है। अब इसको किक वगैरह मारते हैं, बाइक को करते स्टार्ट, काफ़ी टाइम से खड़ी थी तो पहले इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर कवर वगैरह इसका जो है वो लगाऊंगा आपको। तो गाइस देख सकते हैं बाइक स्टार्ट है और इंजन की साउंड सुन सकते हैं, बिल्कुल बहुत प्यारी आवाज़ है इसकी। और आप सोच रहे होंगे कि बिना क्लच कवर लगाए हुए बिना ऑयल की स्टार्ट हो रही है, तो ऐसा नहीं है, ये बिना ऑयल के थोड़े टाइम तक स्टार्ट रह सकती है क्योंकि इसमें ऑयल ऑलरेडी जो हमने ऑयल लगा रखा है, देख सकते हैं, और इसलिए स्टार्ट है। और बाइक की आवाज़ बहुत प्यारी है अभी भी, देख सकते हैं। और 500 सीसी है, स्टैंडर्ड 500 है, देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल सुन, बिल्कुल आवाज़ ही नहीं है बिल्कुल, देख सकते हैं। देखिए और पॉइंट वगैरह कुछ भी साफ नहीं करना पड़ा, वैसे ही स्टार्ट हो चुके बिल्कुल, कार्बोरेटर वगैरह साफ करके लगा दिया हमने। और अब इसको करते हैं, अभी क्लच को बराबर लगाता हूँ और दिखाता हूँ आपको। सो गाइस देख सकते हैं, कंप्लीट हो चुका है, ऑयल वगैरह डाल दिया मैंने आपको दिखाया। ऑयल के बारे में बता दूंगा आपको, 450 ग्राम डलता है इसमें ऑयल। ऐसे में आपको पता होगा कि दोनों तरफ ऑयल डलता है, क्लच में और इंजन का ऑयल का इधर से डलता है, देख सकते हैं। देखिए अभी हमने एयर फिल्टर वगैरह सब कुछ निकाला हुआ है, तो अभी लगाएंगे इसको सब कुछ। और बाइक का अभी ऑलमोस्ट हमारी जो क्लच वगैरह फिट हो चुका है, आप देख सकते हैं पुरानी वाली जो क्लच पेट चेंज हो चुकी है। और करते हैं बाइक को स्टार्ट वगैरह करके चला के देखते हैं अब इसको।
तो दोस्तों देख लिया आप लोगों ने कि जैसे कैसे जो क्लच पैड होती है, इसमें चार क्लच पैड डलती है, चार प्रेशर पट्टी डलती है जो अपने ओल्ड मॉडल में ऐसी आती हैं, और इलेक्ट्रा वगैरह की सबकी इसकी सेम ही होती है। हालांकि 500 सीसी के जो क्लच पैड जो प्लेटें होती हैं वो अलग होती हैं, बट हमने इसमें वही डाला क्योंकि वही वाला ज़्यादा अच्छी काम करती है। वो भी काम करती है लेकिन ये भी काम करती है। इसमें सटा 5 आता है और इसमें सटा 4 डलवाता है, दोनों डल जाता है, ऐसा नहीं नहीं डल जाता, लेकिन सटा 5 भी डल जाती है और रिवीड, तो हमने सटा 4 ही डाल दिया क्योंकि ज़्यादा चलती नहीं बाइक, ज़्यादा यूज़ नहीं होती, मतलब खड़ी रहती ज़्यादातर, तो इसलिए किक स्लिप मार रहा था। तो हमने क्लच खोल के देखा तो क्लच पैड खत्म थी, तो मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो बना के आप सबको दिखाऊं। और जो इसका स्प्रिंग है वो पुराने वाला स्प्रिंग था, तो इसमें देखा आपने येलो कलर वाला स्प्रिंग डाला था और वो ज़्यादा इसमें काम करता है, तो ना कि जो स्टॉक वाला क्लच जो स्प्रिंग होता है वो ज़्यादा नहीं काम करता। अभी कभी भी आप ध्यान रखिए, अगर आप क्लच पैड डालते हैं ओल्ड मॉडल का, तो आप जो स्प्रिंग होता है वो डेफिनेटली हमेशा के लिए चेंज करते हैं हर बार में, क्योंकि ज़्यादा अच्छी लाइफ, ज़्यादा लाइफ नहीं होती इन लोगों की जो स्प्रिंग होते हैं इनके। तो बस मैंने कहा एक वीडियो बना के दिखाता हूँ, और आपको ओल्ड मॉडल पे और अगर वीडियो देखनी हो तो आप वीडियो में कमेंट कर जरूर बता दीजिएगा, तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगा ओल्ड मॉडल के ऊपर। तो बस तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, इंतजार के नए वीडियो से तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, ठीक है, थैंक यू दोस्तों।